आरसीबी ने मैक्सवेल कार्तिक को किया रिलीज, इन चार खिलाड़ियों को भी टीम से निकाला बाहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल की सबसे चर्चित फ्रेंचाइजी है। 16 साल के आईपीएल इतिहास में इस फ्रेंचाइजी ने अब तक एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती है। टीम के पास क्रिकेट जगत के स्टार बल्लेबाज और कई फेमस चेहरे हैं, इसके बावजूद भी एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। आपको बता दें की आईपीएल 2024 से पहले आरसीबी की टीम मैनेजमेंट ने कई बड़े बदलाव किए हैं। कोच से लेकर खिलाड़ियों तक के प्रदर्शन के आधार पर टीम इन्हें रिलीज करने का प्लान बना चुकी है। आपको बता दें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने हाल ही में टीम के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच माइक हैसन और संजय बांगर को पद से बर्खास्त कर दिया था। उनकी जगह टीम ने जिम्बाब्वे टीम के कप्तानी और कोच रह चुके एंडी फ्लावर को हेड कोच बनाया। फ्लावर इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के बतौर हेड कोच जुड़े थे। वहीं अब आरसीबी के कुछ खिलाड़ियों को भी टीम से निकाल सकती है। टीम के लिए ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक पूरी तरह फर्जी साबित हुए हैं। ग्लेन मैक्सवेल के पिछले साल की आईपीएल प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 14 मैचों में 33.33 की बल्लेबाजी औसत से 400 रन बनाए हैं। आईपीएल 2022 में उनके बल्ले से महज 301 रन आए हैं। भारतीय पिचों पर पेस और स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ मैक्सवेल का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। ऐसे में आईपीएल 2024 से पहले आरसीबी उनको टीम से निकाल सकती है। गौरतलब है कि आरसीबी मैक्सवेल के अलावा चार खिलाड़ियों को रिलीज करने का प्लान बना रही है। इसमें हर्षल पटेल, सुयश प्रभुदेसाई, दिनेश कार्तिक और वेन पार्नेल जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। आपको क्या लगता है, इन चारों खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकालेगी या नहीं, और इस बार आईपीएल 2024 में आरसीबी जीतेगी या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।